Oh shit. क्या हो गई? ओ अरे मुझे पता है, मैं तेरे को कहने लगा था कि कट कर सकता हूं। देखा ठीक हो? मैं तो ठीक हूं। ओ शिट यार। हे गाइस, गुड मॉर्निंग गाइस। आज के ब्लॉग की शुरुआत मॉर्निंग से कर रहा हूँ। संडे एक राइड होने वाली है और अपने साथ अपने दोस्त भी है। एक प्यारी सी लोकेशन पे जाने वाले हैं। सबसे पहले अपनी बाइक साफ करते हैं। आपको एक चीज बता देता हूँ कि यहाँ पे देख सकते हो मेरी जैकेट की चैन ना खराब हो रखी है, तो वो मैंने अभी तक ठीक नहीं करवाई है। बाकी ये देख सकते हो राइडिंग जैकेट के साथ मैं रेडी हो गया और मेरे दोस्त भी फ़ोन कर रहे हैं, फटाफट आ जा। मैं नहीं आता टाइम से यार, क्योंकि इंट्रो करना पड़ता है ना कि ब्लॉग की शुरुआत। सो गाइज, प्यारी से लोकेशन पे जाने वाले हैं और मैं भी फर्स्ट टाइम जाने वाला हूँ वो लोकेशन पे, तो बाकी चल के बताएंगे। बाकी देख के पता चलेगा कि कैसी लोकेशन है। यहाँ से 25-30 किलोमीटर है, तो 25-30 किलोमीटर सोलन में पड़ता है वो जगह। प्यारी से लोकेशन आपको दिखाते हैं और एंड तक वॉच करना, जो चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी गाइस लेट्स गो, चलते हैं उसके साथ सीधा मिलते हैं। ये देखो भाई, सुबह ने सुबह सुबह पॉलिश वॉलिश मार के एकदम चमका दी अपनी बाइक। हो गई सुपर बाइक कोल्ड स्टार्ट। देख रहे हो, दिखाऊँ गाइस आपको मैं सुपर बाइक दिखाऊँ। भाई की सुपर बाइक यहाँ पे खड़ी है, अपनी सुपर बाइक यहाँ पे। तो गाइस अभी देख रहे हो टाइम हो चुका है 6:12 हो चुके हैं और अभी हमारे साथ कार्तिक भाई भी जा रहे हैं RC 200। ओ सुपर बाइक कोल्ड स्टार्ट है अभी। कार्तिक भाई आ चुके हैं, मैं खुद ही उल्ट गया था आज, क्योंकि भाई संडे राइड जाना था, एक प्यारी सी जगह पे जाना था। आज बहुत टाइम के बाद आ रहा हूँ मैं संडे राइड, काफ़ी टाइम हो गया ना, इसलिए आज कोई बहाना नहीं था। बहाना नहीं गया मतलब, पिछले संडे को मेरा भाई ने संडे को कहीं जाना था तो उसने मेरी बाइक लेके गया था और उससे पहले मैं उठ नहीं पाया जिस दिन शुभम भाई अकेले जा रहे थे। और तो भाई फाइनली निकल रहे हैं यहाँ से फटाफट। और ये देखिए, वो मैंने साइड के मिरर भी निकाल दिया, बिकॉज यार मिरर में काफ़ी लूज हो गए थे। और आपने फ्यूल अप कराना सबसे पहले अपनी बाइक में, तो पहले सबसे पहले फ्यूल अप कराते हैं, देन उसके बाद निकलते हैं। और ये देख सकते हैं आप, तीन डंडी है, बट जब भी मैं राइड पे जाता हूँ तो एक्स्ट्रा डलाता हूँ पेट्रोल, बिकॉज यार कहीं भी होता है ना कि कई जगह पेट्रोल की दिक्कत आती है, तो चढ़ाते हैं अपनी बाइक में पेट्रोल सबसे पहले। सो गाइस फाइनली देख सकते हैं पेट्रोल पंप पे हमने बाइक अपनी यहाँ पे लगा दी है, और कार्तिक भाई ने और मैंने क्या बोलते हैं अपनी बाइक में पेट्रोल लगा लिया। बाकी सुबह भाई के बाइक में तो ऑलरेडी पेट्रोल है। और बाकी गाइस सुबह मॉर्निंग के टाइम पे देख सकते हो क्या लग रही है अपनी बाइक, और धूप भी आ चुकी है और धीरे धीरे क्या बोलते हैं गर्मी भी स्टार्ट हो जाएगी। अभी गर्मी में ब्लॉग बनाना बहुत मुश्किल होता है, बट हम फिर भी बनाएंगे। और एक प्यारी से लोकेशन पे जाने वाले हैं, टेंपल पे जाने वाले, सोलन की तरफ है। और बाकी मैं फ़र्स्ट टाइम जा रहा हूँ, बाकी कार्तिक भाई जा रखे हैं और शुभम भाई भी जा रखे हैं उन लोकेशन पे, बट मैं फ़र्स्ट टाइम जाऊँगा। गाइस आपको दिखाता हूँ कि कैसे लोकेशन है। यहाँ से ऑलमोस्ट 30-40 किलोमीटर है, तो बाकी गाइस मैंने फटाफट वापस भी आना है। और लेट्स गो, चलते हैं और बाकी आपसे बात करते हैं चल के। और बाकी ये कैसे लग रही है अपनी बाइक सुबह मॉर्निंग के टाइम पे, देख सकते हो क्या सेक्सी लग रही है तीनों बाइक को। चलते हैं और बाकी आपसे बातचीत करते हैं। कोई चीज़ भी बता देता हूँ गाइस, परसों आंधी तूफान आया था और मेरी बाइक क्रैश हो गई, मतलब कैसे खड़ी खड़ी बाइक गिर गई है। एक्चुअली में मैंने इस तरफ बाइक ऐसे लगा रखी थी, इस तरफ कुछ चीज़ थी जो जिसके हवा की वजह से ना मेरी बाइक से सीधा टकराई और उसके बाद क्या बोलते हैं नीचे गिर गई। और हल्का सा स्क्रैच आ रखा है यहाँ पे, देख सकते हो आप, ये जो गार्ड होता है गार्ड पे स्क्रैच आ रखा है और यहाँ पे, तो इसीलिए मैंने मिरर निकाल दिए थे और इसीलिए थोड़ा सा सेफ्टी पे रह गया अपनी बाइक का। मेरे को अगर ये चीज़ टूटी ना फाइबर साइड का ये, तो भाई ये कम से कम 1500 रुपये का है, तो इसलिए यार खर्चा बढ़ जाता और मेरा बजट एकदम थोड़ा सा इधर उधर हो जाता, तो इसलिए यार ये देखो हैंडल बार ने बचा दिया अपनी बाइक को। और बाकी गाइस लेट्स गो, चलते हैं और फटाफट अपनी बाइक भगाते हैं। बाइक थोड़ा सा क्या बोलते हैं ऐसे ही सीन हो गया था,
मेरा फोन ने धोखा दे दिया मेरे को, हैंग करके मेरे फोन के होल्डर ने इतना गंदा वाला धोखा दे दिया गाइस। ओह शिट, क्या हो गई? अरे मुझे पता है, मैं तेरे को कहने लगा था कि ये कट गया था। देखा ठीक हो? मैं तो ठीक हूँ। ओ शिट यार, फैंक गाइस क्रैश हो गया यार। ओ यार कैसे गिरा यार, कट बड़ा गंदा है यार ये, इसलिए बोल रहा था थोड़ा। ये कट बहुत ज्यादा गंदा भाई, इसमें टर्न नहीं होती भाई, प्रोफेशनल चीज। थोड़ी आगे लगा भाई, कैसे टायर पीछे वाला स्लिप हो गया क्या? ये पैनल ही गया ना, ये पैनल तो आएगा 2000 का। पंप पैनल भी यार और भी करवाना पड़ेगा, बस पैनल ही गया। हैं? काफी हद तक ब्रेक लग गई थी। अरे सारे कट यहाँ के खराब ही है भाई। मैंने टाइम ही पकड़ ली इसलिए आगे नहीं गया मैं। अरे जैसे कट आता ना स्लो कर दो मैं जो स्पीड। हैंडल तो ठीक है इधर का, ये शुक्र करो इस साइड नहीं गिरी, नहीं तो उस साइड जाते तुम, उधर को गिरे थोड़ा सा बच। मैंने देखा था ये ये निशान इसी बाइक का है ये, यहाँ पे यही सब होता भाई। तो क्या बताऊँ मैं कैसे लगी, बोल देना क्या हुआ। ये था बिल्कुल सेंटर में, ये मार रहा था टर्न, ये टर्न तो बिल्कुल कॉर्नर से बचती है और बिल्कुल इस कॉर्नर से बचती है। जब लीन मार दी हो तो बिल्कुल उस कॉर्नर से बजेगी और जब नॉर्मल लेने आओ तो इस कॉर्नर से बजेगी। बारिश नहीं सी है, घेर में होगा ठीक है हैंडल तो।
भाई ऐसी बाइक कैसे जला लेते हो यार तुम, ऐसी बाइक कैसे जला लेते हो भाई, मेरे को कैसा अकाउंट सा। चलो शुक्र करो कि ये टैंक टूंग पे नहीं लगा भाई, वही तो कह रहा हूँ मैं। हाँ वो पूरे पैनल आता है, बस यही चीज़ हुई ना ये वो, और मिरर हुए, लाइट, इंडिकेटर भी आएगा वही 1500-2000-2500 तक आएगा इसके इंडिकेटर भाई। अच्छा हुआ कि इस पर नहीं लगी, ये बाकी अलावी लोई पे। हाँ थोड़ा सा कम, इंजन पे भी, इंजन पे भी नहीं लगा। अच्छा इंजन पे भी नहीं लगा भाई, आगे से गया था। उसका कह रहा क्रैश हो गया था उसका भी यहाँ पे। शिट क्या यार, तो गाइस कार्तिक भाई की बाइक क्रैश हो गई। छी यार मूड खराब हो गया। वो नहीं है तुम्हारे पास टूल किट है? तो गाइस ऐसे ऐसे सीन हो गए भयंकर ही, आज सुबह सुबह बाइक क्रैश हो गई कार्तिक भाई की। और भाई ऐसे मोड़ों पे भाई हमेशा ध्यान रखना, आराम से चलाना भाई, मैं भी खुद डर लगता है भाई। और वैसे आज संडे को इतना ज़्यादा ट्रैफिक हो रखा है। सो अभी यार एक मस्ती सी जगह पे जाने वाले थे और ऐसा ऐसा सीन हो गया भाई। तो चलो शुक्र करो कार्तिक भाई सेफ हैं, पता ही होगा 10-15 हज़ार का नुकसान हो रखा है। सिट यार